ये आंदोलन देश को बचाएगा, किसी भी हालत में इस आंदोलन को खत्म मत होने देना। जो हमें 10 गुना नहीं 100 गुना महंगा अनाज खरीदवाने की साजिश जो आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हो, उससे बचाने के लिए आप जो गोलियां खा रहे हो, आप जो लाठियां खा रहे हो, मैं उसका धन्यवाद करने में आया हूँ। दिल्ली से चल दिया, ये कर्जा माफी की बात करते हैं। मोदी जी का चाय बेच के जो पैसे इकट्ठे किए थे उसमें से कर्जा माफी करने के लिए बात कर, आप ही लोगों का तो पैसा है। और क्योंकि ये एक्सप्लोजिव इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ये आतंकवादी घटना ये खट्टर सरकार ने कराई है, खट्टर जी ने आपके खिलाफ कराई है, अमित शाह जी ने आपके खिलाफ कराई है। अगर किसी वजह से इन्होंने रोकने की कोशिश की तो हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हम दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन, किसानों की आवाज उतनी ताकत से बुलंद करने की कोशिश करेंगे जितनी आप हमसे उम्मीद करते हो, ये भी मैं वादा करता हूं। सरकार की मुख्यमंत्री की पद पे बैठे हुए खट्टर साहब
तो ये जो आपके ऊपर गोलियां चल रही है, वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और अमित शाह साहब जो वहां बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने ये आतंकवादी अपराध किया है, आतंकवादी घटना की है आप लोगों के साथ, उसकी जो वजह है ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। पहली चीज, संविधान और कानून के बाहर जाके कोई भी पुलिस का अधिकारी, कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी जज, कोई भी प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, कोई भी काम करता है तो वो अपराध होता है। आपके ऊपर गोलियां चल रहा है, आपकी सुनी जा रहा है, हरियाणा में तो आपका कोई रुकने का कोई मकसद भी नहीं है, आपने प्रपोज भी नहीं किया, दिल्ली जा रहे हो, तो ऐसे लोगों को अगर कोई रोकता है तो वो अपराध है। ये एक्सपायर जो बम चलाए गए आपके ऊपर आसमान के बोले, और ये दोनों चीजें गैर कानूनी है, क्योंकि ये चोरी के बम होंगे, ये आप समझ नहीं जवाब। पुलिस कोई अगर लीगल काम कर रही है तो वो आर्मरी में से जो उनका मारखाना होता है ना, वहां से लेके आते हैं, एक एक बुलेट का एक एक आंसू गैस के गोले का हिसाब होता है। ये एक्सपायर्ड इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ये अपराध कर रहे हैं, वापस का कोई हिसाब किताब नहीं होगा, हिसाब किताब नहीं होगा तो ये कानूनी काम नहीं है, ये अपराध है। और क्योंकि ये एक्सप्लोजिव इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए ये आतंकवादी घटना, ये खट्टर सरकार ने कराई है, खट्टर जी ने आपके खिलाफ कराई है, अमित शाह जी ने आपके खिलाफ कराई है, ये दूसरी बात आप समझ। तीसरी बात, ये आतंकवादी घटना क्यों है, हरियाणा पुलिस का अधिकार बॉर्डर के उस पार, जो भी कार्रवाई बॉर्डर के उस पार हुई है वो भी अपराध है, आतंकवादी घटना। अब इसका निवारण क्या, पंजाब की सरकार को ये एफआईआर खट्टर साहब के खिलाफ, उनके डीजीपी के खिलाफ और पुलिस के उच्च अधिकारियों के खिलाफ करनी चाहिए थी, क्योंकि ये अपराध पंजाब की धरती पर नहीं की, तो पहला काम आपको ये करना चाहिए, मजबूत हम लोग भी आप लोगों के साथ है जो आपकी लीगल टीम है, अगर आप चाहें तो उसमें हम भी मदद कर सकते हैं आपकी, हम आई टी सी के दूर से चले, तो आप एक एफआईआर दर्ज कराओ, ये सभी चीजें लिख के, और वो यूएपीए की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इन सभी अधिकारियों को, चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ, अमित शाह साहब के खिलाफ, यहाँ के डीजीपी हरियाणा के खिलाफ, और वहां के मंत्री जो मिनिस्टर है उनके खिलाफ, और पुलिस के उच्च अधिकारी जिन्होंने ऑर्डर दिया था इनके खिलाफ आतंकवाद की यूएपीए की धाराओं में आपको एफआईआर करना चाहिए। दूसरा काम, अगर वो नहीं करते तो आपको अदालत का सहारा लेना चाहिए, और ये अदालत आपकी, मुझे पूरा भरोसा है पंजाब के नाम से, ये एफआईआर हरियाणा के मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पंजाब में होगी ही होगी, ये कानून में से निकलने का कोई रास्ता नहीं। जो सब इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्टर्स है, जो अपने उच्च अधिकारियों के कहने पर ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनको मैं कानूनी सजा भी दे रहा हूं और कानूनी वार्निंग भी दे रहा हूं, ध्यान से सुन ले, प्रेस के माध्यम से भी दे रहा हूं। ये आपके अधिकारी अगर आपको गैर कानूनी ऑर्डर देते हैं तो भारत का संविधान ये कहता है आप अपने उच्च अधिकारी का कोई भी गैर कानूनी ऑर्डर मानने के लिए बाध्य नहीं हो। अगर आप कोई भी काम करोगे तो आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, एक आम अपराधी की तरह छोटे छोटे कांस्टेबल जो है उनके ऊपर। अगर आपको रोका भी जाता है, मुझे लगता नहीं कि आपको ज्यादा देर रोक पाएंगे, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी संख्या है और आप एकदम पीसफुल तरीके से चल रही है, आपका सबसे बड़ा हथियार है पीसफुल तरीके से जो आप चल रहे, सबसे बड़ा हथियार आपका शांतिपूर्ण ढंग से मार्च, तो ये आपको रोक नहीं पाएंगे दिल्ली आने का। अगर किसी वजह से उन्होंने रोकने की कोशिश की तो हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन, किसानों की आवाज उतनी ताकत से बुलंद करने की कोशिश करेंगे जितनी आप हमसे उम्मीद करते हो, ये भी मैं वादा कर रहा हूं। बस यही चंद निवेदन मैं आपसे करने आया था, हम आपके साथ हैं, वकीलों की जिम्मेदारी है, हम भी आपका उगाया हुआ अन्न खाते हैं, क्योंकि मोदी जी की एक ही गारंटी है वो कभी सच नहीं बोल सकते, एक ही गारंटी है उनकी, वो व्यक्ति ऐसे हैं जो इतने बड़े देश के इतने बड़े पद पर बैठकर क्या कह रहे हैं, बेशर्मी से एक एग्जाम्पल में देना बहुत जरूरी समझता,
क्या गारंटी दे रहा है वो, अगले 5 साल का 80 करोड़ लोगों को मैं गरीब बना के रखूंगा, ये गारंटी दे रहे हैं। आते के किस तरह के पेशर मांगनी है वो, आपकी मांग मानना हर एक पार्टी की जिम्मेदारी। अगर आप की मांग नहीं मानता पे तो वो अपराध है, कोई बहाना कोई कानूनी अड़चन आपके आंदोलन में नहीं है। ये आंदोलन देश को बचाएगा, किसी भी हालत में इस आंदोलन को खत्म मत होने देना, किसी भी हालत में हम इस आंदोलन के साथ हैं, कोई कानूनी अड़चन नहीं है। और कोई कानूनी अड़चन कोई बताता है आपको तो हम लोगों से आपके जो वो है हमसे बताएंगे, हम इसके ऊपर डिटेल आपको एक लीगल ओपिनियन भी बना के दे देंगे, पूरा हम आपको कानूनी ओपिनियन सलाह बना के दे देंगे और वो हम आपके लोगों को दे देंगे जो आपको पढ़ के भेजेंगे। लेकिन कोई भी बंदिश है ही नहीं, जो बोलता है वो झूठा है। आरएसएस का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, कोई बंदिश नहीं है। संघर्ष करो, पॉलिटिकल पार्टीज को भी संघर्ष करना चाहिए आपके साथ आते सभी, उनके ऊपर भी कोई बंदिश नहीं है। आपका आंदोलन में सरकार कोई चोरी नहीं कर सकती, सरकार आपका एमएसपी और 10 की 10 मानी अगर चुनाव चुनाव की घोषणा भी हो जाती है तब भी अनाउंस कर सकते हैं, उसको रोक लिए। अगली सरकार जो आएगी, अगर आप इस सरकार को उखाड़ फेंकोगे तो वो आपसे डरेगी। एक बात ध्यान रखना, कुछ ही महीने बाकी है, वो आपसे डरेगी नहीं, कांपेगी, और फिर वो काम करेगी जो संविधान के हिसाब से होगा, वो काम करेगी जो आप कह रहे हो, क्योंकि आप हर वो काम कह रहे हो जो संविधान के। और जो सरकार है वो काम नहीं करती, वो बेईमान है, चोर है, वो लोग चोर है जो उनकी मांगों को आपको नजरअंदाज कर रहे हैं और आज तक नजरअंदाज करते रहे, वो चोर है। और ये भी बात उसमें समय लग जाएगा साबित करने में, लेकिन मैं अभी आपको बता सकता हूं कि कैसे वो चोर है, कैसे आपका पैसा चुरा के अडानी अंबानी, कैसे लाखों करोड़ उधार लिया है IMF से और दूसरे इंटरनेशनल संस्थानों से आपके नाम पे। ये पता है आपको, 150 लाख करोड़ रुपए बाहर से लेके आए आपके नाम, और दिया किसे अडानी अंबानी। हम आपके ऋणी हैं, एक आवाज पर देना, वकील एक नहीं सैकड़ों हजारों वकील आपके सामने ढाल बन के खड़े होंगे, और एक एक व्यक्ति सुनने के द्वारा हरियाणा की पुलिस, आप नौकर हो, नौकर की तरह काम करना, मालिकों के साथ ये जुर्म किए, ये अपराध किए, तो आप इतने लंबे समय तक जेलों में रखे जाओगे, शायद आपके पर्चे भी कल्पना नहीं कर पाएंगे। हिम्मत मत कर लेना द्वारा, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।